Hello and welcome to Super Shivani channel, and this is the class of cooking food. तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मैंने देखा कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा ओवन खरीदें जिनमें उनके सारे काम एक ही ओवन में हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम ओवन को परचेज करने जाते हैं तो ओवन्स की इतनी वैरायटी होती है, मेरा मतलब सोलो, ग्रिल, कन्वेक्शन और ओटीजी, इतने सारे ओवन को लेकर के हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, जैसे कि मैं कंफ्यूज्ड हो गई थी जब ओवन को परचेज करने गई थी। तो आज मैं आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। जैसा कि हम सब चाहते हैं कि हम सबसे बेस्ट ओवन खरीदें जिसमें सारे काम हो जाए, वो होता है हमारा कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन। इस ओवन की खास बात यह है कि इसमें आप वो सारे काम कर सकते हैं जो आप सोलो, ग्रिल या ओटीजी में करते हैं। और दूसरा, हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हमें ओवन किस ब्रांड का लेना चाहिए। इसके लिए मैं आपको कहूंगी कि आप किसी भी ब्रांड का ओवन लेने से पहले उसके कस्टमर रिव्यूज कैसे हैं उसको जरूर से चेक कर लें। किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर आप इसे आसानी से चेक कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बेस्ट ओवन्स को परचेज करने का लिंक, जिसके कस्टमर रिव्यूज अच्छे हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब हम बात करते हैं कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन्स की। ये ओवन इलेक्ट्रिक ओवन की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, जो कि एक माइक्रोवेव ओवन का ही एक प्रकार होता है। और कभी आपने सोचा है पुराने समय में कैसे बिस्किट्स, केक वगैरह बनाए जाते थे? जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो पुराने समय में लोग बिस्किट्स, केक वगैरह कोल या वुड की मदद से बेक करते थे, जिसमें कोयले या लकड़ी को जलाया जाता था और जिससे हॉट एयर यानी कि गर्म हवा प्रोड्यूस होती थी और जिससे हमारी बेकिंग होती थी। और अब भी बेकरी में कहीं कहीं कोयले या लकड़ी का इस्तेमाल होता है और कहीं कहीं तो डीजल का भी इस्तेमाल होता है। जो भी बर्निंग फ्यूल हम यूज करते थे उसी के आधार पर हम उस ओवन का नाम रख देते हैं, जैसे कि डीजल है तो डीजल ओवन और कोल या वुड है तो कोल या वुड फायर ओवन। बहुत सारे पॉइंट है जिनसे आप नॉर्मल इलेक्ट्रिक ओवन को माइक्रोवेव ओवन से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। आप एक नॉर्मल ओवन का काम कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन में तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आप कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन के सारे काम आप एक नॉर्मल ओवन में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कुछ मोटे मोटे पॉइंट हैं जिनको मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, जिससे आप कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन और एक नॉर्मल ओवन में अंतर आप समझ पाएंगे। माइक्रोवेव ओवन के शॉर्ट फॉर्म को माइक्रोवेव कहते हैं, जिसका मतलब एक ही होता है, जो उपकरण माइक्रोवेव रेडिएशन यूज करते हैं फूड को गर्म करने में उसे माइक्रोवेव ओवन कहते हैं। जबकि ओवन की हम बात करते हैं तो इनमें हीटिंग एलिमेंट होता है जो ओवन के अंदर की एयर को गर्म करता है और वो एयर हमारे फूड को गर्म करती है। दूसरा मेन पॉइंट है कि एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बेटर होता है, क्योंकि माइक्रोवेव फूड को अंदर से बाहर तक फूड को गर्म अच्छे से कर देते हैं, यानी कि माइक्रोवेव ओवन्स की कुकिंग एफिशिएंसी बेटर होती है इलेक्ट्रिक या गैस कन्वेक्शन ओवन के कंपैरिजन में। और इसके साथ ही माइक्रोवेव इलेक्ट्रिकल पावर को कम यूज करते हैं कन्वेंशनल टाइप इलेक्ट्रिकल ओवन के कंपैरिजन में। अब आप कहेंगे कि कन्वेंशनल ओवन कौन से होते हैं? कन्वेंशनल ओवन इलेक्ट्रिक एलिमेंट से वर्क करके कुकिंग करते हैं, जैसे कि गैस बर्नर। इस प्रकार के ओवन में हीट ऊपर की ओर से रेडिएट होती है और ठंडी एयर नीचे की ओर से पुश होती है, जिससे अनइवन कुकिंग या बेकिंग हो सकती है। जबकि ये ओवन बहुत कॉमन होते हैं इनबिल्ट किचन में और इनको किचन रेंज का एक पार्ट भी माना जाता है। और अब हम इन दोनों के हीटिंग प्रिंसिपल यानी कि खाना गर्म करने का सिद्धांत क्या होता है इन दोनों ओवन के, इसके बारे में जानते हैं। जब हम हीटिंग एलिमेंट की बात करते हैं यानी खाना गर्म करने का सिद्धांत जो माइक्रोवेव ओवन का है, वो इलेक्ट्रिक ओवन से डिफरेंट होता है। खाना हमारा अंदर से बाहर की ओर गर्म होता है माइक्रोवेव ओवन में, जबकि इलेक्ट्रिक ओवन में खाना हमारा बाहर से अंदर की ओर गर्म होता है, यानी कि ये हीट को प्रोड्यूस करने में ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि ओवन्स के कंपैरिजन में क्या माइक्रोवेव मोड पर भी हम बेकिंग कर सकते हैं। माइक्रोवेव में आप बहुत सारे डिलीशियस फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइक ब्रेड, पिज्जा, केक, ब्राउनीज, वो भी बहुत ही कम समय में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पैन या ट्रे जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं ओवन में, वो माइक्रोवेव सेफ होनी चाहिए। टाइम ऑफ कुकिंग वेरी करता है आपके माइक्रोवेव के वॉट्स के अकॉर्डिंग। मेरा मतलब, अगर आपके माइक्रोवेव के वॉट्स यानी ज्यादा है, यानी हाई पावर का आपका माइक्रोवेव है तो उसमें कम समय लग सकता है, अगर कम पावर का आपका माइक्रोवेव है तो उसमें थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। तो आपको इसके बारे में डिटेल में समझना होगा कि आपके ओवन की पावर कितनी है, जो कि वॉट्स में दी होती है। तो ये तो रहा माइक्रोवेव ओवन्स और नॉर्मल इलेक्ट्रिकल ओवन में अंतर क्या होता है। आई होप आपको इनमें अंतर समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी से सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बहुत सारे अच्छे ओवन्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिनके रिव्यूज हमेशा अच्छे ही होते हैं, उनके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप चाहें तो उन्हें चेक भी कर सकते हैं।